हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज मैंने कोई एक और आपके लिए वीडियो, आज इस वीडियो में दिखाने वाला आपको क्लास 11th में से चैप्टर 10वें का सारा प्रश्न उत्तर, वो भी 2024 का न्यू सिलेबस में से। और किताब का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इस किताब में 10वें पार्ट का सारा क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ और 10वें पार्ट का आप नाम देख सकते हो स्क्रीन पर। और ज़्यादा देर ना करते वीडियो शुरू करते, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना। और जिसने भी करा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जितने की प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और आपको 2024-25-26 में आपको पासबुक लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कॉमेंट करते हैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो आती है सिंपल, इसलिए बोलो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और आपके भाई बहन को ये चैनल शेयर कर दो, क्योंकि वो उसका बहुत फायदा होने वाला और उसको पासबुक खरीदने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टिप्पणी को चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और आपके फ्रेंड्स दोस्तों शेयर कर देना। और कमेंट करते हैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो आती रहेगी सेल पर। और हम चलते हैं पहले प्रश्न के पहले पॉइंट की ओर। आप स्क्रीन पर देख तो इसका उत्तर है खे। तो इस चैप्टर में A to Z क्वेश्चन से दिखने वाला, वो भी 2024 का न्यू सिलेबस में से। तो वीडियो में एंड तक बने और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सीधी सी बात है, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, वीडियो रोके आप होमवर्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले प्रश्न का पहला पॉइंट कर लिया, फिर आता है दूसरा पॉइंट और आप उसका उत्तर है खे। तो वीडियो रोके आप होमवर्क कर लेना। फिर आता तीसरा सॉरी पहले प्रश्न का तीसरा पॉइंट हो, उसको उत्तर है खे। और ये कर लिया, फिर चलते हैं हम चौथे पॉइंट की ओर। चौथे पॉइंट का उत्तर है खे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं किया लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना चाहिए। और कमेंट करो जल्दी से जाके, चाहे कुछ भी कमेंट करो कमेंट करो। और फिर दूसरे प्रश्न में क्या लिखा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्द दीजिए, मतलब 30 शब्द में उत्तर देना। तो हम चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहले पॉइंट का उत्तर आप स्क्रीन पर देख सकते हो और आप वीडियो का होमवर्क कर लेना। और मैं धीरे धीरे नीचे लेता हूँ, वीडियो का होमवर्क कर लेना, आप पास में बुक लेके होमवर्क कर लेना वीडियो रोके। फिर आता दूसरा पॉइंट, वो ये दूसरे पॉइंट का उत्तर है। और फिर आता दूसरे प्रश्न का तीसरा पॉइंट, ये तीसरे पॉइंट का उत्तर है। और फिर आता दूसरे प्रश्न का चौथे पॉइंट का उत्तर, ये देख सकते हो स्क्रीन पर। और फिर आता तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या लिखा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्द में दीजिए, मतलब कि 150 शब्द में उत्तर देना है। और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला पॉइंट आ चुका है और ये पहले पॉइंट का उत्तर है। और धीरे धीरे नीचे लेता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। फिर आता दूसरा पॉइंट, वो ये दूसरे पॉइंट का उत्तर। और फिर आता तीसरा पॉइंट, ये तीसरे पॉइंट का उत्तर मैं दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो रोके होमवर्क कर लेना। और दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट जाकर जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर देना। और जिसने भी करा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियो आती रहेगी चैनल पर। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।